अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार, 3 लग्जरी कार बरामद। मुरादाबाद के थाना पागबड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके पास से 3 लग्जरी कार सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। इन गैंग के सरगना सहित 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में हो रही लग्जरी कारों की खपत और मुखबिर की सूचना पर थाना पागबड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उनके पास से लाखों रुपए की कीमत की 3 लग्जरी कार बरामद की है। एसपी सिटी अमित आनंद ने आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए 2 लोगों में पड़ोसी जनपद रामपुर का रहने वाला रवि यादव और मेरठेर इलाके का रहने वाला नदीम है। रवि यादव कार ड्राइविंग का काम करता है। ये चुराई गई कार गुप्त स्थान तक पहुंचाने का काम करता है और नदीम गाड़ियों की चेसिंग नंबर बदलकर बेचने में शामिल है। इस गैंग का सरगना पागबड़ा का रहने वाला यासीन फरार चल रहा है। वहीं एक आरोपी हापुड़ जनपद से भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक फॉर्च्यूनर सहित 3 लग्जरी कार बरामद की है और अन्य को सामान भी मिला है। पकड़े गए आरोपियों के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना पागबड़ा पुलिस के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह के 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम है रवि यादव जो निवासी रामपुर है और नदीम जो मैनठेर मुरादाबाद का रहने वाला है। जो रवि यादव है इसका मुख्यतः गिरोह में ड्राइवर का रोल था, जो मतलब गाड़ी जो इसको मिलती थी कहाँ नंबर प्लेट और चेंज होनी है उसके लिए और वहाँ से गंतव्य स्थान तक पहुँचाना। इसमें जो नदीम है ये नंबर प्लेट और इंजन नंबर चेंज करने का काम करता था और इनके पास से आज 3 गाड़ियाँ बरामद हुई है, टोयोटा फॉर्चुनर, मारुति नेक्सा बेलेनो और मारुति वैगन आर। साथ ही इनके पास से 1 तमंचा 315 बोर, 1 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। और जो उपकरण गाड़ी का चेसिस और इंजन नंबर प्लेट बदलने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 नंबर प्लेट जो फर्जी है वो भी इनके पास से मिली है। इनका जो गिरोह है पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह है, दिल्ली NCR से मुख्यतः ये गाड़ियाँ और आसपास के रीजन से गाड़ियाँ चुराते थे और इसके नंबर प्लेट और चेसिस नंबर इंजन नंबर चेंज करके ये अन्य अन्य राज्यों में इन्होंने बेचा है। ये असम, केरल, गुजरात तक इन्होंने इन चोरी की गाड़ियों की सप्लाई की गई है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज पागबड़ा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की गई है। मौके से इस समय एक यासीन निवासी पागबड़ा जो इसका मुख्य आरोपी है वो फरार है, सोनू निवासी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ और 2 अज्ञात व्यक्ति इस समय वांछित चल रहे इस केस में। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं रवि यादव और नदीम, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके ऊपर 420C और 307 आदि आर्म्स एक्ट के आदि मुकदमे दर्ज हैं।